जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बनाई है और उन्होंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, जैसे कि राजी, हाईवे और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आलिया भट्ट की आने वाली 6 बड़ी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें 2024 और 2025 में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? नंबर 1, जिगरा। ये एक बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी एक बहन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई जाएगी, जो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसे डायरेक्शन देने बासन वाला, जो इससे पहले मोनिका ओ माई डार्लिंग और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुकी है। इसमें हमें आलिया भट्ट, वेदांग रैना और आदित्य नंदा मेन लीड में नजर आएंगे। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देखने में मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा। आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आलिया भट्ट इसमें जिगरा नाम के कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो फुल एक्शन मोड में नजर आएंगी। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर और इसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। इस बड़ी फिल्म को 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। छोड़ना भाटिया सब, कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम। बहुत कम तो उड़ा देते है ना साली जेल की दीवारें। नंबर 2, अल्फा। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी एक मिशन पर बेस्ड होगी। इसे डायरेक्शन दे रहे शिव रवेल, जो इससे पहले द रेलवे मैन जैसी कमाल की वेब सीरीज बना चुके हैं। इसमें मैं आलिया भट्ट और सरवरी वाघ लेडी स्पाई एजेंट के रोल में नजर आएंगी और इसके अलावा इसमें बॉबी देओल बहुत ही स्टाइलिश और खतरनाक विलन के रोल में नजर आएंगे। ये स्पाई यूनिवर्स की बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट और सरवरी वाघ बॉबी देओल से भिड़ती हुई दिखाई देंगी और इसमें बहुत ही यूनिक और खतरनाक एक्शन देखने को मिलेगा। इस बड़ी फिल्म को 200 से 250 करोड़ के हाई बजट पर बनाया जाएगा, जिसे 2025 के लास्ट में रिलीज किया जा सकता है। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा। नंबर 3, लव एंड वॉर। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी प्यार और लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती दिखाई जाएगी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, जो इससे पहले गंगूबाई काठियावाड़ी, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी कमाल की फिल्में बना चुके हैं। इसमें हमें आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और विक्की कौशल मेन लीड में नजर आएंगे। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट फिल्म होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और विक्की कौशल दोनों से प्यार नजर आएंगी। अभी आलिया भट्ट अल्फा फिल्म की शूटिंग में बिजी है। जैसे ही अल्फा फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी, वैसे ही लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू की जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जब दिल टूट जाता है उससे बेहतर एडवाइस तो दिमाग ही देता है। नंबर 4, जीले जरा। ये एक ड्रामेटिक फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी 3 महिलाओं की रोड ट्रिप पर बेस्ड होगी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं फरहान अख्तर, जिससे पहले डॉन और डॉन 2 जैसी कमाल की एक्शन फिल्में बना चुके हैं। इसमें मैं आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और ईशान खट्टर मेन लीड में नजर आएंगे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी शूटिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो देखते हैं इसकी शूटिंग कब तक शुरू होती है। इसे प्रोड्यूस भी फरहान अख्तर ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इस बड़ी फिल्म को 2025 में रिलीज किया जा सकता है। नंबर 5, आलिया भट्ट की अगली फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, हंसल मेहता वही डायरेक्टर हैं, जो इससे पहले अलीगढ़, सिटी लाइट्स और शायद जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रोल में नजर आएंगी। अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है, जैसे इसका प्री प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा वैसे ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। आपको कमरा खाली कर रहा है, बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता
हुआ होगा। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था क्योंकि इसका VFX और CGI लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्शन दे रहे अयाना मुखर्जी, जो इसके पहले पार्ट को भी डायरेक्शन दे चुके हैं। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन मेन लीड नजर आएंगे। लेकिन अभी तक देव के कैरेक्टर में कौन सा एक्टर नजर आएगा, अभी इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 काफी बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसे काफी बड़े स्केल पर शूट किया जाएगा, जिसमें 500 से 600 करोड़ रुपए का खर्चा लगाया जाएगा। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर और इसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जाएगा। इस बड़ी फिल्म को 2026 या 2027 में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस आलिया भट्ट की आने वाली 6 बड़ी फिल्में। आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।